एक मर्तबा का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक खूबसूरत कुत्ता था। उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाता। कुत्ता भी हर वक्त इसके पीछे दुम हिलाता फिरता, जहां वो जाता साथ हो लेता। आदमी के पास एक गधा भी था, जो दिन भर बोझ उठाता और रात को अकेला जगह पर पड़ा रहता। एक दिन गधे ने खिड़की में मुंह डालकर मालिक के कमरे में झांका तो देखकर हैरान रह गया के कुत्ते मजे से खाना खा रहे थे और मालिक पास बैठा ऐसे चमक रहा था। गधा इसे देखकर जल गया और दिल में कहने लगा, फिर मेरा मालिक इस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है? मैं दिन भर सख्त मेहनत करता हूँ और कुत्ते सिर्फ धूम हिलाते इधर उधर उछलते कूदते हैं। इसने सोचा कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह उछलने कूदने और धूम हिलाने लगूं, मालिक मुझे भी इसी तरह प्यार करेंगे। ये ख्याल करके ढाचू ढाचू करता और धूम हिलाता झट मालिक के कमरे में घुस गया। ने आसमान की तरफ देखा, मुंह उठाया, दांत निकाले और ऐसी तेजी से धूम हिलाई कि शीशे और कांच के बर्तन मेज पर से और अलमारी से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर इसने उछलकर अगले पांव मालिक की गोद में रख दिए। मालिक गधे की इस अजीबाना हरकत से हैरान व परेशान हो गया और ख्याल किया कि गधा पागल हो गया है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर की आवाज से करीब हमसाए भाग आए और गधे की हरकत और चीख पुकार सुनकर इनको भी यकीन हो गया कि गधा पागल हो गया है। उन्होंने गधे को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा गधा इस सब के लिए तैयार नहीं था और दिल में कहने लगा, जो कुत्ता करता है वही मैंने भी किया। वो इसे प्यार करता है, मुझे मारे, ये कहाँ का इंसाफ है। अच्छा तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी आप लोगों को किस तरह लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का मजीद नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।